था कि मेरी लाइफ एक और टर्न लेगी और इस तरह मेरी जिंदगी में हो जाएगा। मैंने दिल को मैसेज किया था आर यू देयर, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं है। उसके बाद फिर मुझे यकीन हो गया था कि दिल की शादी तो होगी। मेरा नाम सालिया हैदर है और मैं मिसेज मेजर दिल शायद शहीद हूँ। मेरी तीन बेटियां हैं, जो कि बड़ी बेटी मेरी 8 इयर्स की है, छोटी बेटियां मेरी 6 इयर्स की हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में पास आउट हुई तो मेरा निकाह हो गया था। पहले हुआ हुआ था 2 इयर्स बैक, मेरा हुआ हुआ था जब मैंने एडमिशन लिया था। पास आउट होते साथ ही मेरी शादी हो गई मुजाहिद के साथ। थोड़े अरसे के बाद ही वो हार्ड एरिया में तब पोस्टेड थे, तो थोड़े अरसे के बाद ही वो शहीद हो गए। उनकी शहादत के 7-8 मंथ्स के बाद मेरी बेटी हुई सिबगा फातिमा। और बस इसी तरह फिर इन जब फातिमा 1.5 साल की हुई तो फिर मेरी शादी मेजर दिल के साथ हुई 2016 में। 2017 में अल्लाह ताला ने मुझे जुड़वा बेटियों से नवाजा, ज़ैनब, अदील और दुआ अदील। 2018 में ही 18 के एंड पे अदील की पोस्टिंग आ गई और अदील चले गए हार्ड एरिया। और 2019 सितंबर में अदील की शहादत हो गई। और उस वक्त मेरी छोटी बेटियां 2 इयर्स की थी और बड़ी जो बेटी सिबगा फातिमा है वो 4 इयर्स की थी। रमज़ान थे और जुम्मे का दिन था, वो पोस्ट पे जा रहे थे और उनकी गाड़ी पे अटैक हुआ था और वो डिफेंड कर रहे थे अपने आप को और अपने जो सिपाही थे, ट्रूप्स थे, उनको डिफेंड कर रहे थे। तो हैंड ग्रेनेड उनको लगा था और उनकी ब्लड लॉस की वजह से उनकी शहादत हो गई थी। बहुत ही अजीब एक इंसिडेंट था कि मेरे तो मैं गुमान में भी नहीं था कि मेरी लाइफ एक और टर्न लेगी और इस तरह मेरी ज़िंदगी में हो जाएगा। शहादत से एक दिन पहले अदील ने मुझे मगरिब के वक्त मैसेज किया था। उस मैसेज में उन्होंने कहा था कि कल इस वक्त मैं शहीद हो जाऊंगा और आपने मेरी ये बातें याद रखनी हैं। तो मैंने कहा कि वैसे ही कह रहे हैं, हर फौजी की ख्वाहिश शहादत की होती है और हर फौजी यही बातें करता है, तो मुझे नहीं पता था कि वाकई कल इस वक्त तक वो शहीद हो जाएंगे। शहीद की पोती हूँ। 71 की वॉर में मेरे दादा शहीद हुए थे, लेकिन जब मुजाहिद की शहादत के बाद अदील मेरी ज़िंदगी में आए थे तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में दोबारा कोई ऐसा इंसिडेंट होगा। मैं बहुत खुश थी। मेरे जो लाइफ पार्टनर रहे, मेजर अदील शायद शहीद, कैप्टन मोहम्मद मुजाहिद बशीर शहीद, ये दोनों शहदा हैं और शहदा के दर्जे बहुत बुलंद होते हैं और मेरे नसीब में अल्लाह ने दोनों बंदे शहीद लिखे हैं कि मैं तो बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ। मेरी बेटियाँ बहुत फ़ख्र महसूस करती हैं। मैं इनका ब्रॉटअप इस तरह कर रही हूँ ताकि एक ऑनर के साथ जिए, ना कि कोई महरूमी के साए के नीचे जिए। शहीद होने वाला तो उस दिन शहीद हो जाता है, जो एक दिन स्पेसिफिक दिन होता है वो शहीद हो जाता है। अदील 20 सितंबर 2019 को शहीद हुए हैं और वो शहीद हो गए, लेकिन जो उनकी फैमिली का जहाद है वो उस दिन से शुरू हो जाता है और शहीद का जहाद उस दिन ख़त्म हो जाता है। उस दिन से उनकी फैमिली जहाद उनका स्टार्ट हो जाता है, उनके बच्चों का, उनकी बीवी का, और वो उनके मरते दम तक ख़त्म नहीं होता। हम लोग तो डिफेंस डे बड़े प्राउड के साथ सेलिब्रेट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कोई इस तरह का वो नहीं है कि हमारे साथ मेरे हस्बैंड शहीद हो गए या मेरे बच्चों का बाप शहीद हो गया। हम एक ऑनर के साथ सेलिब्रेट करते हैं और हमें करना भी, मजबूत कौमें हमेशा ऐसे ही होती हैं।